आज मैं आपको बनाना सिखाने बहुत ही मज़ेदार किस्म की मटन चॉप्स। चलिए आइए शुरू करते हैं कैसे बनती हैं। अस्सलामुअलैकुम, अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की फ्राई चॉप्स बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मटन चॉप्स, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। उसके लिए जिन अज़ा की ज़रूरत है, तकरीबन 1 kg के करीब मैंने ये चॉप्स ले लिए। ये देखें, इस तरीके से ये मटन चॉप्स लिए, ये देखें इस तरीके से मैंने मटन चॉप्स लेके इसको मैंने धो लिया अच्छे तरीके से। और इसमें जो मसाले शामिल होने हैं, बहुत ही मज़ेदार आज फ्राई चॉप्स बना रहे हैं हम, उसके लिए मैंने 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, 1 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 teaspoon ज़ीरा लिया है मैंने, 1/2 teaspoon काली मिर्च पाउडर, 1 teaspoon धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, 1/2 teaspoon अजवाइन ले ली, 1/2 teaspoon नमक ले लिया। ये मसाले हो गए। अब इसमें मैंने 1 teaspoon अदरक का पेस्ट ले लिया है, 2 teaspoon सिरका लिया है और 2 teaspoon भर के मैंने कुटा हुआ लहसुन लिया है, 1 teaspoon सोया सॉस हो गया है, 1 teaspoon मैंने अदरक का पाउडर लिया है। अदरक का मसाला भी डालेंगे कुटा हुआ और ये पाउडर भी डालेंगे। 2 teaspoon मैंने लेमन जूस लिया है। शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार और बनानी, और जिसके साथ हमने इसको फ्राई करना है वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। पहले ये सबसे पहले इस गोश्त को मटन के रखते हैं। एक मैंने कढ़ाई ले ली है, पैन ले ली है, उसके अंदर ये चॉप्स में सारी इस तरीके से डाल दूंगी। आप बनाएं और अपने मेहमानों को पेश करें, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती हैं। इसमें जाएगा लहसुन कुटा हुआ, इसमें डाला सोया सॉस। जो मेरे फ्रेंड्स नए हैं मेरे YouTube चैनल देखने वाले, जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर लें। अदरक का पाउडर, अदरक कुटा हुआ, मसाले अजवाइन, लाल मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर, धनिया, ये सब चीज़ें इसमें चली गई, लेमन जूस, सिरका, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। एक गिलास में इसमें पानी का शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये एक गिलास मैंने पानी का शामिल कर दिया है। अब मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए पकने दूंगी, ताकि अच्छे तरीके से सारी चॉप्स हमारी हो जाएं। इस मसाले को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसको स्लो फ्लेम पे आधे घंटे तक रख देते हैं। ये मिक्स कर दिया मैंने मसाले को सारा। आधे घंटे के बाद हम मिलते हैं। ये देखें, आधा घंटा हो चुका है, हमारी चॉप्स जो हैं बहुत ही अच्छी रेडी हो गई हैं। ये देखिए, सारा मसाला जो है वो चॉप्स पे लग चुका है। अब मैं इसको फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। चॉप्स को हमने एक प्लेट में डाल के ठंडा कर लिया है और ब्रेड क्रम्ब ले लिया मैंने और 2 अदद अंडे ले लिए। अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अंडों को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब एक चॉप्स हम उठाएंगे इस तरह, इसको अंडे में डिप करेंगे। दूसरे हाथ से मैं इसको इस तरह करके ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी। इसी तरीके से हम चॉप सारी, पहले हम लगाएंगे अंडा। बिस्मिल्लाह, फिर हम एक हाथ से ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। ताकि हमारा प्लेटफॉर्म भी ख़राब ना हो, इसी तरीके से मैं सारी कर लूँगी। अंदर मैंने ऑयल गरम कर लिया अच्छी तरह से, इसको मैं एक एक करके चॉप डाल इसमें डाल। ये देखिए कितना नाइस सा कलर आ रहा है और बहुत ही मज़ेदार बन गई। इसको मैं डिश आउट करती हूँ, इसको निकालती हूँ। जो बाकी चॉप्स हैं वो भी मैं सारी इसी तरह डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर। इन्होंने
मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो फ्रेंड्स मेरे जल्दी जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मज़े मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप लोगों के पास आए। बहुत शुक्रिया। मज़ेदार किस्म की चॉप्स हमारी रेडी हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।